दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हेडिंग बना करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से हेडिंग बनाया जाता है तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो आपके बी एग्जाम में काम करेगा तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन का हेडिंग बना करके सीखते हैं दोस्तों बी एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके समझने की कोशिश करना है कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा जा रहा है क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे नहीं समझेंगे नहीं तब तक न तो आप उस क्वेश्चन का हेडिंग बना पाएंगे और न ही आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख पाएंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करना है कि क्वेश्चन को पढ़ना है और पढ़ करके देखना है कि क्वेश्चन के अंदर कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके आप हेडिंग बनाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन दिया हुआ है सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़

बोलते हैं मुद्रा स्फीति यानी कि मार्केट में वस्तु का दाम बढ़ गया है तो यहां पर दोस्तों कि मुद्रा स्फीति की महंगाई के परिभाषा कि दाम बढ़ता है, तो उसके क्या है? रहा है और इसको नियंत्रित करने के उपाय पूछ रहा है कि जो वस्तु का दाम बढ़ा हुआ है उससे क्या प्रभाव पड़ेगा और उसको कैसे नियंत्रित किया जाएगा इसका उपाय पूछ रहा है तो हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया परिभाषा पूछ रहा है मुद्रास्फीति की इसके प्रभाव पूछ है और इसको नियंत्रित करने के उपाय पूछ रहा है। हम लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ करके समझ लिया अब दोस्तों अगले स्टेप में क्या करेंगे क्वेश्चन के अंदर पॉइंट को देखेंगे कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है और फिर अगले स्टेप में हम लोग उसका हेडिंग बनाएंगे यहां पर दोस्तों पॉइंट की बात की जाए। यहां पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मुद्रा क्योंकि दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर मुद्रा स्फीति के बारे में पूछा गया है और इस क्वेश्चन का जो आपका मेन पॉइंट है आपका मुद्रा स्फीति है क्योंकि दोस्तों अगर आप मुद्रा स्फीति को इस क्वेश्चन से निकाल देंगे तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा मुद्रा स्फीर्ति और इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट भी हो जाएगा मुद्रास्फीर्ति दो अब दोस्तों दूसरे दो पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट तो हो जाएगा परिभाषा क्योंकि दोस्तों मुद्रा स्पीति की परिभाषा पूछा है तो आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा परिभाषा उसके बाद दोस्तों तीसरे पॉइंट की बात की तो तीसरा पॉइंट आपका हो जाएगा प्रभाव क्योंकि दोस्तों इसके प्रभाव पूछा है कि इसके क्या प्रभाव होते हैं तो आपका क्वेश्चन में जो भी पूछता है उसी को हम लोग पॉइंट के रूप में लेते हैं और उसी को हम लोग हेडिंग में लिखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों प्रभाव पूछा है तो हमारा तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रभाव अब दोस्तों चौथे पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा पॉइंट हो जाएगा नियंत्रित करना क्योंकि दोस्तों कह रहा है कि मुद्रा स्फीति की परिभाषा दीजिए इसके प्रभाव बताइए और इसको नियंत्रित करने के उपाय बताइए तो क्वेश्चन में जो पूछता है उसी को पॉइंट के रूप में लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों नियंत्रित पूछ रहा है तो यहाँ पे दोस्तों नियंत्रित को हम लोग पॉइंट के रूप में ले लेंगे तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन के अंदर आपका टोटल वन टू थ्री फोर टोटल आपका चार पॉइंट दिया हुआ है जिसका इस्तेमाल करके हम लोग हेडिंग बनाएंगे तो यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन का पहला हेडिंग हम लोग क्या लिखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला हेडिंग रहेगा परिभाषा क्योंकि दोस्तों मैंने आपको हर वीडियो में बता रखा है कि किसी भी क्वेश्चन का पहला हेडिंग या तो परिचय लिखेंगे या तो परिभाषा लिखेंगे या तो प्रस्तावना लिखेंगे या तो भूमिका लिखेंगे क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन में आपका परिभाषा पूछा है इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले इस क्वेश्चन का परिभाषा लिखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देंगे और पहला पॉइंट देके दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मुद्रा स्फीर्ति की परिभाषा तो यहाँ दोस्तों हमारा पहला एडिंग हो जाएगा परिभाषा अब दोस्तों परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे तो परिभाषा में दोस्तों हम लोग मुद्रा स्फीति की परिभाषा लिखेंगे कि मुद्रा स्फीर्ति क्या होता है मुद्रा स्फीति का मतलब क्या होता है उसके बाद दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर दूसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दूसरा पॉइंट देखेंगे दोस्तों यहाँ पर अगला हेडिंग हम लोग लिखेंगे मुद्रा स्फीति के प्रभाव क्योंकि दोस्तों सबसे पहले पूछा है मुद्रा स्फीति की परिभाषा तो हम लोगों ने सबसे पहले परिभाषा लिख लिया अब दोस्तों अगला पॉइंट क्या है अगला पॉइंट है दोस्तों इसके प्रभाव तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे मुद्रा स्फीर्ति के प्रभाव यानी कि जब मार्केट में किसी भी वस्तु का दाम बढ़ता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है पड़ता है किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ता है किन किन क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ता है उसको विस्तार से यहाँ पे लिखने के लिए कह रहा है तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग दूसरा हेडिंग लिखेंगे मुद्रा स्फीर्ति के प्रभाव तो हमारा दूसरा हेडिंग हो जाएगा मुद्रा स्फीर्ति के मुद्रा स्फीर्ति के प्रभाव मुद्रा के प्रभाव यानी कि मुद्रा स्फीर्ति के क्या क्या प्रभाव होते हैं यहाँ पे हम लोग प्रभाव लिखेंगे तो अब आप दोस्तों आपको पता होगा कि जब मार्केट में किसी भी वस्तु का दाम बढ़ता है तो उससे क्या क्या प्रभाव पड़ता है किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ता है तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला पॉइंट देखे पहला प्रभाव लिखेंगे कृषकों पर प्रभाव यानी कि जो भी किसान होते हैं जो भी खेती करने वाले किसान होते हैं उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है जब मार्केट में कोई भी प्राइस बढ़ता है किसी भी वस्तु का प्राइस बढ़ता है दाम बढ़ता है तो सबसे पहले प्रभाव पड़ता है कृषकों पर यानी कि जो खेती करने वाले हैं उन लोगों पर यहाँ पे दोस्तों आपका पहला पॉइंट हो जाएगा पहला एडिंग हो जाएगा कृषकों पर प्रभाव कृषकों पर प्रभाव यानी कि जो कृषक होते हैं जो खेती करने वाले किसान होते हैं उनके ऊपर ये जो कि मुद्रा स्फीति के प्रभाव पड़ता है जब भी किसी वस्तु का दाम बढ़ता है तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने मुद्रा स्फीर्ति के प्रभाव में पहला प्रभाव लिख लिया कृषकों पर प्रभाव अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग दूसरा प्रभाव लिखेंगे रेडी और ऋणदाता पर प्रभाव यानी कि जो भी लोन देने वाले लोग होते हैं और जो लोन लेने वाले लोग होते हैं यानी कि जो कर्ज देने वाले लोग होते हैं और जो कर्ज लेने वाले लोग होते हैं, जो जो वाले लो हैं उन दोनों लोगों पर प्रभाव पड़ता है जब किसी भी वस्तु का दाम बढ़ता है तो यहाँ पर दोस्तों हमारा दूसरा जो है कि प्रभाव हो जाएगा मुद्रा स्फीति का रेडी और ऋणदाता यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे रेडी और रेडी और ऋणदाता यानी कि कर्ज देने वाले और कर्ज लेने वाले यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऋणी और ऋणदाता पर प्रभाव यानी कि जो कर्ज देने वाले हैं और जो कर्ज़ लेने वाले हैं दोनों लोगों पर प्रभाव पड़ता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे तीसरा प्रभाव मुद्रास्फीर्ति का यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा उत्पादकों और प्रभाव यानी कि उत्पादक यानी कि जो भी फैक्ट्री में जो भी सामान बनता है उस पर दोस्तों प्रभाव पड़ता है यहाँ पर दोस्तों हमारा तीसरा हो जाएगा उत्पादकों उत्पादकों पर प्रभाव उत्पादकों पर प्रभाव इस तरीके से बना करके लिखेंगे उत्पादकों पर प्रभाव यानी कि जो कंपनी में या फिर जहाँ भी खेती में या जो भी प्रोडक्ट बनता है उसके ऊपर जब प्राइस बढ़ता है तो इस पर दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है उत्पादन पर जो है कि प्रभाव पड़ता है तो यहाँ पर दोस्तों हम लोगों ने मुद्रा स्फीति के प्रभाव में तीन प्रभाव लिख लिया जो कि मेन प्रभाव है अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कि आगे दोस्तों हम लोग तीसरा पॉइंट देंगे और यहाँ पे दोस्तों तीसरा पॉइंट देकर हम लोग लिखेंगे मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उपाय यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा मुद्रा स्फीर्ति के मुद्रा स्फीर्ति को मुद्रा को नियंत्रित करने के मुद्रा स्फीर्ति को नियंत्रित करने के नियंत्रित करने के उपाय क्योंकि दोस्तों यहाँ पे उपाय पूछा है कि किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है यहाँ पर दोस्तों हम लोग लिखेंगे दो मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के उपाय क्योंकि यहाँ पर नियंत्रित करने के उपाय पूछा है तो हमारा तीसरा हेडिंग हो जाएगा मुद्रा स्फीर्ति को नियंत्रित करने के उपाय यहाँ पर दोस्तों हम लोग किस तरीके से इसको नियंत्रित करेंगे उसके बारे में यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे पहला पॉइंट देंगे और दोस्तों यहाँ पर इसको नियंत्रित करने का पहला उपाय लिखेंगे उत्पादन में वृद्धि यानी कि जो भी प्रोडक्ट है अगर उसका उत्पादन बढ़ा दिया जाए यहाँ पर दोस्तों जो प्राइस बढ़ा है वो घट सकता है यहां पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे उत्पादन में वृद्धि उत्पादन में वृद्धि उत ये दोस्तों हो जाएगा हमारा पहला उपाय यानी कि जो मुद्रास्फीति है जो प्राइस बढ़ा है मार्केट में अगर उसको कम करना है यानी नियंत्रित करना है कम नहीं करना है उसको नियंत्रित करना है तो उसके लिए क्या करना होगा उत्पादन में वृद्धि करना होगा यानी कि जब प्रोडक्ट ज्यादा हो जाएगा और यूजर कम हो जाएंगे यानी तो कि जो है कि उपयोगकर्ता कम हो जाएंगे और उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें दोस्तों क्या होगा जो उसका प्राइस है कम हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला यहाँ पे उपाय लिखेंगे उत्पादन में वृद्धि यानी कि जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसका उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा तो इसको नियंत्रित किया जा सकता है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम लोग दूसरा पॉइंट देंगे और दूसरा पॉइंट देंगे दोस्तों यहाँ पर हम लोग दूसरा उपाय लिखेंगे करों में वृद्धि यानी कि जो भी टैक्स लग रहा है अगर उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो यहाँ पर दोस्तों इसको नियंत्रित कर लिया जाएगा तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा करों में वृद्धि यानी कि टैक्स को बढ़ा दिया जाता है तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा करों में वृद्धि यानी कि अगर टैक्स को बढ़ा दिया जाए

अब दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है हम लोगों ने सभी पॉइंट को लिख लिया है हम लोगों ने मुद्रा स्फीति की परिभाषा लिख लिया उसके बाद इसके प्रभाव लिख लिया उसके बाद इसको नियंत्रित करने के उपाय भी लिख लिया अब दोस्तों लास्ट में क्या करेंगे जब कोई भी पॉइंट नहीं बचेगा यहाँ पर दोस्तों हम लोग चौथा पॉइंट देंगे और यहाँ पर दोस्तों चौथे पॉइंट में हम लिखेंगे चौथा हेडिंग निष्कर्ष यानी कि इस क्वेश्चन का क्या निष्कर्ष निकलता है यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष लिख देंगे और निष्कर्ष के अंदर हम लोग तीन चार लाइन लिख देंगे तो हमारा हेडिंग कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके से दोस्तों आपको क्या करना है कि, कि किसी भी क्वेश्चन का हेडिंग बनाने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेना है क्वेश्चन को समझ लेना है और क्वेश्चन के अंदर देख लेना है कि कौन कौन से पॉइंट दिया हुआ है और पॉइंट को लेकर के यहाँ पे इस तरीके से हेडिंग बना लेना है तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पर स्किप करता हूँ और मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए थैंक यू दोस्तों